और ये लाइन आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन है ट्विन टावर को देखने के लिए। काफी ज्यादा समय लगा हम लोगों को लाइन में, 1 घंटा का तकरीबन वेट करना पड़ा। और भारत का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल है, चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर के काफ़ी फेमस है यह शहर। अगर आपने अभी तक ट्विन टावर नहीं देखा है तो फिर क्या देखा है। वेलकम टू कोलकाता दोस्तों, कोलकाता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं आया हुआ हूँ दुर्गा पूजा को लेकर के यहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कल्याणी ITI मोड़ का ट्विन टावर। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी अभी वायरल चल रहा है। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा और चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, मैं कोलकाता का ट्विन टावर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सो दोस्तों, कल्याणी ITI मोड़ का जो फर्स्ट व्यू है, एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सुंदर लाइटिंगों से सजाया गया है एंट्रेंस गेट को। और अभी हम लोग अंदर की ओर चलेंगे और आप लोगों को पूजा पंडाल दिखाएंगे, जो मलेशिया के थीम पर इस पूजा पंडाल को बनाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए फिर। और ये सामने में जो देख रहे हैं, ये ट्विन टावर जो कोलकाता के कल्याणी ITI मोड़ में बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का लाइटिंग शो आप देख रहे होंगे। और मलेशिया आज आपको भारत में दिखेगा, वो भी कोलकाता शहर में। और कोलकाता शहर जैसे कि आप सभी को पता है, दुर्गा पूजा को लेकर के काफ़ी फेमस है यह शहर। और अगर आप कोलकाता में अगर आप रहते हैं और अगर आपने अभी तक ट्विन टावर नहीं देखा है तो फिर क्या देखा। आप यहाँ का भीड़, यहाँ के क्राउड को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। और ये कल्याणी ITI मोड़ का व्यू है। तो चलिए चलते हैं पंडाल के अंदर और आप लोगों को व्यू करवाता हूँ। और ये लाइन आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन है ट्विन टावर को देखने के लिए, और काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है अभी। आप इधर पीछे में भी देख सकते हैं लाइन कितनी दूर तक गई हुई है। और इधर आप देख सकते हैं ट्विन टावर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए आप लोग बने रहिएगा और अंदर का व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और पुलिस प्रशासन की टीम भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं मेरे साथ मयंक है। और काफ़ी ज़्यादा समय लगा हम लोगों को लाइन में, 1 घंटा का तकरीबन वेट करना पड़ा। और पीछे में देख सकते हैं किस तरह से क्राउड है ट्विन टावर को देखने के लिए। चारों तरफ आप देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ है, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है आप लोगों को देख सकते हैं। और इधर आप देखिए हमारा ट्विन टावर, सामने में ट्विन टावर। हम लोग झारखंड से बंगाल आ चुके हैं और इसी टावर को देखने के लिए हम लोग झारखंड से बंगाल आ चुके हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। और देखिए क्या क्रेज, क्या क्रेज है। एक बार ही होता है। और किस तरह से प्रक्रिया घुसने की, लाइनवत तरीके से यहाँ पे इंटर किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ का लाइटिंग शो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पिछले साल मैंने आप लोगों को बुर्ज खलीफा दिखाया था और इस वर्ष ट्विन टावर। यह ट्विन टावर मलेशिया में स्थित है और उसी थीम पर आज इस ट्विन टावर को कोलकाता में बनाया गया है दुर्गा पूजा को लेकर के। और ये माना जा रहा है भारत का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल है। और देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ है इस ट्विन टावर को देखने के लिए, भीड़ उमड़ पड़ी है। कुछ इस तरह से एंटर करना पड़ेगा आपको। अब चारों तरफ बैरियर लगाया गया है और इस तरह से चारों तरफ से घूम घूम करके आपको पहुंचना है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देख रहे होंगे चारों तरफ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ट्विन टावर जो काफ़ी लाइटिंग वो से बनाया गया है, सजाया गया है। और
ट्यून टावर एकदम जगमगा उठी है। और हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये देखिए यहाँ का पानी का फुहारा जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए पीछे में ट्विन टावर है और हाइट देख सकते हैं। और मैं अब आप लोगों को अंदर लेके चल रहा हूँ। अब माँ दुर्गा का दर्शन करवाने के लिए मैं निकल रहा हूँ। और देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, चारों तरफ का भीड़ इस पंडाल को देखने के लिए, हजारों की भीड़ है यहाँ पे। और अभी मैं आप लोगों को अंदर लेकर के चलता हूँ। और पहले यहाँ झूमर देख सकते हैं लगाया गया है। और माँ दुर्गा की प्रतिमा को मैं दिखाने वाला हूँ। और देख सकते हैं बिल्कुल शीश महल बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये शीश महल। चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे गजब की लाइटिंग है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चारों तरफ शीश महल बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये शीश महल। आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य भी लग रहा है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ पीछे में, आप देख सकते हैं पीछे में माता रानी को विराजमान किया गया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा ऑन करके दिखाना चाहता हूं। अब माता रानी का दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और आप देख सकते हैं यहां पे माँ दुर्गा की प्रतिमा, जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों। सो आई होप आप लोगों को ट्विन टावर का यह ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार अगर आप आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आप लोगों को बैक टू बैक दुर्गा पूजा पंडाल का ब्लॉग बना करके दिखा सकूँ। तो जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू मात्रा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।